नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा दशा सिस्टम के बारे में। दशा टेक्निक सिखाऊंगा, बेसिक चीज़ें होंगी। प्रोसेसर आपको तभी समझ में आ पाएगा जब आप इस वीडियो को प्लीज अंत तक देखोगे, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना जो लोग एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हो, जो ज्योतिष सीखना चाहते हैं। देखिए, दशा टेक्निक ना बहुत अलग तरीके से काम करता है, याद रखना। दशा टेक्निक में डिपेंड करता है आपका ट्रांजिट भी, उसके बाद आपका दशा कौन सा चल रहा है, ये सबसे मेन होता है कि शुभ ग्रह का दशा है या कूर ग्रह का दशा है। फिर सेकेंडली, दशा सिस्टम में ये चीज़ भी इम्पॉर्टेंट है कि जिस ग्रह की दशा चल रही है वो चार्ट में किस तरीके का है। अभी मैं आपको एग्जांपल भी दूंगा, तो इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखना। देखिए, अगर आपका वृषभ लगन है फॉर एग्जांपल, शनि दसवें घर में बैठा, शनि की माँ दशा है, तो शनि वैसे कहाँ के लॉर्ड बने, नाइन्थ के और टेंथ के। तो बेसिकली अपन वैसे दशा देख के क्या कहेंगे, टेंथ और नाइन्थ के रिजल्ट इस व्यक्ति को आएंगे। पर अगर आप इसको रोटेट करोगे कुंभ लगन में चार्ट को, क्योंकि शनि आपका कुंभ राशि में बैठा, तो उसको उसी के बाय रोटेट चार्ट कर देना आपको लगन के हिसाब से। जैसे शनि में अगर कुंभ राशि में, मान के चलिए शनि अगर कुंभ में भी नहीं होता, शनि अगर मकर में बैठा होता है, शनि वृश्चिक में बैठा है, शनि की माँ दशा है, ठीक है, वृषभ लगन है, तो इसको वृश्चिक में रोटेट कर देना चार्ट को, ठीक है। तो आपको दशा का एक कहीं ना कहीं एक बेसिक चीज़ पता चल जाएगी, दशा कैसी जाएगी, उसके हिसाब से भी दशा टेक्निक काम करती है। सबसे मेन होती है दशा, वैसे आपके लगने के हिसाब से क्या ग्रह का मित्र है या शत्रु है, वो चीज़ भी डिपेंड करती है। वो तो बात की बात चीज़ है, पर आपको बेसिक चीज़ सिखा रहा हूँ। अब मान के चलिए, याद रखना, लगन पंचम नवम की दशा जब भी मैं देखता हूँ बेसिकली अच्छी जाती है, एक बेसिक चीज़ बता रहा हूँ। पर अगर वो भी पाप ग्रहों में राहु केतु से जिष्ट है, तो उसमें और राहु और केतु का ट्रांजिट आपके दशा, मान के चलिए मैंने आज कल एक चार्ट देखा था, वृश्चिक लगन था, कन्या राशि में मंगल बैठा था, मंगल की दशा चालू हो गई थी उस व्यक्ति की, पर मंगल का दशा का अच्छा फल अभी तक नहीं मिल पाया। क्यों? व्यक्ति का आप देखेंगे अभी कन्या राशि में से गोचर हो रहा है ट्रांजिट केतु का। तो याद रखना, जब भी कुछ इससे ब्रेक, केतु इज अ कार को ब्रेक करता है वो चीज़ों में, तो मंगल के कारक तत्वों को पूरी तरीके से निखर के नहीं आने देगा, इस बात को याद रखना। तो कोई भी पाप ग्रह वाला कूर ग्रहों का से की दशा है, उसके ऊपर से कोई और कूर ग्रह जैसे केतु राहु का गोचर हो रहा है, तो वो दशा का इतना अच्छा फल नहीं मिल पाता। वो भी एक ट्रांजिट के ऊपर डिपेंड करती चीज़ें। अब मैं आपको एक चार्ट पे ले जा रहा हूँ, इस वीडियो को अंत तक देखना। ये देखिए, मैंने दो चार्ट खोल के रखे हैं। सबसे पहले ये मैं आपको ये एक चार्ट पे ले जा रहा हूँ। अगर आप इनका चार्ट देखेंगे तो अभी आप ये देखिए, ठीक है, आप ये देखिए, अभी राहु की इनकी माँ दशा थी, ठीक है, जो कि 1/11/2024 को ख़त्म हो गई है, आज हो गई 3 नवंबर। तो अगर आप एक चीज़ देखेंगे तो अब जुपिटर की महादशा इनकी चालू हो चुकी है, तो अभी हम जुपिटर का फल देखेंगे कि किस तरीके का इस दशा में आएगा। तो देखिए, अगर आप जुपिटर को देखेंगे बेसिकली, का जुपिटर तुला लगन में इतना अच्छा फल नहीं देता, आपको पता है, थोड़ा मार्केट की तरह भी काम करता है, क्योंकि थर्ड लॉर्ड है और सिक्स लॉर्ड भी है, और सेवन्थ हाउस में बैठा वक्री होकर, तो सिक्स हाउस के रिजल्ट भी देगा वो अपनी दशा में, याद रखना। पर अगर मैं इसको मेष लगन बना के रोटेट करूंगा, दशा का फल थोड़ा अलग तरीके से समझ में आएगा आपको, पर मैं बेसिक चीज़ बता रहा हूँ। सिक्स हाउस एक्टिवेट है इस दशा में, थर्ड हाउस एक्टिवेट है बेसिक चीज़ में, तो ये और नक्षत्र भी डिपेंड करता है किस नक्षत्र में उसका भी फल आएगा दशा में, याद रखना। तो थर्ड हाउस सिक्स हाउस एक्टिव है तो पक्का है, सिक्स हाउस है तो व्यक्ति डेप्ट ले सकता है, डेप्ट दे सकता है, मतलब डेप्ट ले सकता है किसी से, या फिर कुछ ना कुछ लीगल कॉम्प्लिकेशंस में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं ऐसी, या फिर मैरिटल इशूज आएंगे डेफिनेटली, क्योंकि सेवन्थ हाउस में जुपिटर बैठा, जहाँ जुपिटर बैठा वहाँ का नाश करता, जहाँ देखता वहाँ की वृद्धि करता, इस टेक्निक को याद रखना। शनि जहाँ बैठेगा वहाँ की वृद्धि करेगा, शनि जहाँ देखेगा वहाँ का नाश करता है। सिक्स हाउस के भी फल आएंगे और सेवन्थ हाउस के, थर्ड हाउस के, तो थर्ड हाउस यानी डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड भी कुछ ना कुछ व्यक्ति को प्रॉब्लम्स आएंगी। सेवन्थ हाउस में तो डॉक्यूमेंटेशन हो सकते हैं, कुछ ऐसे भी हो मैरिटल लाइफ से जिसमें व्यक्ति के डिस्प्यूट हो गए, उसको साइन करने हैं कहीं, तो वहाँ भी दिक्कत आ सकती है। सिक्स हाउस का है तो पार्टनर की हेल्थ को भी डिस्टर्ब कर सकता है, क्योंकि सेवन्थ हाउस में जुपिटर बैठा है सिक्स लॉर्ड होके, तो या तो वो कोर्ट केस को भी रिप्रेजेंट कर सकता है, या फादर के सॉरी पार्टनर की हेल्थ में डिस्प्यूट। उसके बाद अगर हम इसको थोड़ा बहुत और डीप में जाएं, तो मैं आपको ले जाना चाहूँगा नमांश कुंडली पर। लग्न आप देखेंगे राइजिंग हो रहा है जुपिटर का ही, सेजिटेरियस, तो 3rd नंबर का लगन इनके अकॉर्डिंगली, और लगने से इनका जुपिटर फिर से 6th हाउस में चले गया है, और 7th लॉर्ड और 10th लॉर्ड के साथ कंजेक्ट है, 4th लॉर्ड भी जुपिटर बनता है। तो हेल्थ में इनको सबसे पहले बहुत सावधानी रखनी है, क्योंकि लगन होकर जुपिटर की दशा आ गई है, चालू हो गई, और लगने 6th हाउस में नमांश में, और 7th लॉर्ड और 10th लॉर्ड के साथ है, तो कुछ ना कुछ जॉब में तो ठीक है, अच्छी चीज़ें हो सकती है, बट पार्टनर के हिसाब से और हेल्थ के वाइस में मेरे को दो टर्म्स अच्छे नहीं दिख रहे हैं, जो कि अब मैं देखूंगा इनका जो प्रिडिक्ट मैंने किया है कि 2026 तक ऐसे होगा, क्योंकि जब तक जुपिटर में जुपिटर की दशा है, और जुपिटर में जब शनि की आएगी उस तरीके का अलग फल मिलेंगे। एक और चार्ट ले जाना चाहूँगा आपको, ये भी अच्छी एक कुंडली है।
अभी आप देखेंगे इनके चार्ट में भी, तो ये देखिए शनि की माता से चल रही है, 2044 तक चलेगी। शनि में शनि खत्म हो रहा है 19/12/2024, यानी एक महीने दिसंबर में हो जाएगा खत्म प्रॉपरली अगर देखा जाए तो। तो शनि में बुध जब चालू होगा किस तरीके के फल आएंगे, देखिए शनि में बुध जब इनका आएगा तो आप देखेंगे, पहली बात तो शनि से बुध जो आ रहा है दशा से वो सेकेंड हाउस में आ रहा है, और नेचुरली बुध 12th लॉर्ड है और 9th लॉर्ड है। फादर के लिए दशा में थोड़ा डिस्प्यूट हो सकता है, फादर के लिए अच्छा नहीं हो सकता क्योंकि मार्केस के साथ भी बैठा है बुध, और 11th लॉर्ड के साथ भी है और सेकेंड लॉर्ड, ये प्रबल मार्केस है। फादर के लिए मेजरली ट्रबल हो सकता है, बट यह दशा इस व्यक्ति के लिए अच्छी होगी, इस व्यक्ति का लक को राइज कर सकती है, लक अच्छा साथ देगा, पैसा भी कमाएगा क्योंकि सेकेंड लॉर्ड 7th लॉर्ड और 11th लॉर्ड एक साथ आ रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें होंगी। अब ऐसी ही दशा में अलग अलग टेक्निक होती है, अभी मैं इसको उस तरीके से रोटेट करता तो वो अलग फल आते, पर एक तरीके अलग तरीके का फल है जो कि मैं आपको नॉर्मली बता रहा हूँ लगन के हिसाब से। अभी मैंने बाय रोटेट नहीं किया उस चार्ट को दशा के अकॉर्डिंगली, लाइक जिस राशि में वो बैठा है। हाँ ज़रूर आप देखेंगे बुध की जो स्थिति है इनके नवमांश में जाके थोड़ी कमज़ोर हो रही है, क्योंकि बुध नीच के हो रहा है पर नीच भंग भी हो रहा है क्योंकि गुरु अपने स्वयं राशि में बैठे हैं, तो 7th लॉर्ड और 4th लॉर्ड भी यहाँ पर बुध बने हैं। तो इस दशा में मेरे को लगता है क्योंकि जुपिटर इज़ अ बेनिफिक प्लेनेट और बुध मां नीच के भी हो जाते हैं, भले इस व्यक्ति को हेल्थ वाइज थोड़ी प्रॉब्लम आए या हो सकता है कि व्यक्ति को इसके रिलेटेड ट्रबल आए, बट ये दशा इस व्यक्ति को फाइनेंशियली अगेन और प्रोफेशनली गेन करा के जाएगी जाएगी। तो दोस्तों एक बेसिक तरीका था, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।